ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। आज ऑफिस में बहुत काम था। रात को नए फ्लैट तक पहुंचने में काफी देर हो गई थी यश को। कल ही यहां शिफ्ट हुआ था वो। राहुल ने भी यश को कल यहां शिफ्ट करने में काफी मदद की थी। रात को यही रुका था और सवेरे दोनों साथ ही ऑफिस गए थे। पूरी बिल्डिंग बिल्कुल शांत थी। झिंगुरों के अलावा कोई दूसरी आवाज नहीं थी। बिल्डिंग के बाहर लगा गेट खोलकर यश ने ताला लगाया और लिफ्ट की ओर जाने को यश घूमा ही था, जब देखा कि सिक्योरिटी गार्ड सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा था और बीड़ी पीता हुआ बोला, चलिए साहब, हम ऊपर तक चलते हैं, आपके साथ छोड़ आते हैं आपको। यश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, ऐसे मुस्कुराया जैसे वो इंसान नहीं कोई कीड़ा हो, और जेब से 20 का नोट निकालकर उसके हाथों में देकर बोला, इसे रखो, फालतू में इतनी रात को जागकर ऊपर तक 20 रुपए के लिए आओगे? 6 फ्लोर पे ही तो जाना है, जंग पर नहीं जाना मुझे। अब यश की बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ने यश को नीचे से ऊपर तक देखा और मुस्कुराकर 20 का नोट अपने शर्ट की जेब में रखता हुआ बोला, आप ही की भलाई के लिए बोल रहे हैं साहब, कोई बात नहीं, जाइए आराम से। यश हल्का सा हंसा और फिर लिफ्ट में चढ़ा और 6 फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट भी धीमे धीमे अपनी रफ्तार से ऊपर तक गई। यश लिफ्ट से उतरा और लिफ्ट का दरवाजा बंद करके जेब से चाबी निकालता हुआ अपने फ्लैट का दरवाजा खोलने को पलटा ही था, जब उसने देखा कि 7th फ्लोर पे जाने वाली सीढ़ियों पर एक थोड़ी उम्र दराज औरत बैठी थी। कुछ काले बाल और कुछ चांदी के धागों जैसे चमकीले सफेद, तकरीबन कुछ 60 से 65 के बीच की उम्र रही होगी उनकी। इतनी रात को यहां क्या कर रही है, यही सोचकर यश ने पूछा, अरे आप यहां क्यों बैठी हैं? किसके घर जाना है आपको? वो औरत जैसे इंसान नहीं पत्थर थी। पूरी बात को सुन के भी वैसे ही बैठी रही, न हिली न कुछ बोली। यश ने सोचा शायद ऊंचा सुनती होगी, इसलिए उसने दोबारा कहा, आंटी जी यहां क्यों बैठी हैं? अरे कहां रहती हैं आप? वो पलटी और यश के फ्लैट की ओर इशारा करके बोली, मैं यहीं तुम्हारे साथ ही तो रहती हूँ। यश कल ही आया था, शायद गलत फ्लैट के सामने खड़ा था। उसने पलटकर दोबारा देखा, बगल वाले फ्लैट का नंबर देखा और अपने फ्लैट का भी, और फिर उस औरत की उंगली के इशारे को दोबारा देखा और उसने कहा कि आंटी जी यहाँ तो मैं रहता हूँ, रेंट दिया है मैंने, अग्रीमेंट साइन किया है, 609 मेरा है, 608 आपका होगा। वो औरत कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा के नाम में सर हिला के वैसे ही बैठी रही दरवाजे को खोलते हुए। यश भी पलटा और लॉक खोला और अंदर जाकर उसने दरवाजे को बंद कर लिया। बैग वगैरह रखकर नहा धोकर सोचा, एक बार झांका जाए कि बाहर अभी भी वो औरत है या नहीं, आवाज ना हो, इसलिए दबे कदमों से यश दरवाजे तक गया और आई होल से झांक कर देखा तो वो औरत न सिर्फ वहीं की वहीं बैठी थी बल्कि ऐसे दरवाजे की ओर देख रही थी जैसे वो जानती थी कि यश आई होल से झांक रहा था। एक अजीब बात यश ने अब जाकर देखी कि उसने अभी तक शायद एक भी बार पलके नहीं झपकाई थी। यश आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख ही रहा था।
जब अचानक उस औरत ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और उंगली ऐसे दिखाई जैसे यश को पीछे देखने को कह रही हो। यश को ऐसा महसूस हुआ जैसे नसों के अंदर से लहू नहीं सांप रेंग रहे हो। घबराहट में एक झटके से दो कदम पीछे हट के देखा तो अंदर के कमरे का दरवाजा हल्का सा हिला। यश धीमे धीमे अंदर कमरे की ओर गया और दरवाजे को पूरा खोल कर देखा तो यश को सिर्फ नसों में ही नहीं पूरे बदन पर सांप लौटते हुए महसूस हुए, क्योंकि सामने पलंग पर वही औरत बैठी हुई थी। यश का हाल ये नजारा अपने सामने देखकर बेहद बुरा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था इस वक्त जैसे किसी ने उसे बर्फ की अलमारी में बंद कर दिया हो। न हिलडुल पा रहा था और न ही गले से आवाज निकल रही थी। एक औरत जो अभी अभी बाहर थी, बंद दरवाजों बंद खिड़कियों के बावजूद एक ही पल में बिना हिले डुले अगर अभी अंदर थी तो इसका मतलब वो जिंदा इंसान तो नहीं हो सकती थी। यश ने पूरी हिम्मत जुटाई और बाहर की ओर भागा। लिफ्ट का इंतजार न करके सीढ़ियों से ही नीचे भागा और सिक्योरिटी वाले के पास पहुंचकर उसे हांफता हुआ बोलने की कोशिश कर ही रहा था जब हथेली में खैनी पीट कर उसे हाथों में दबाता हुआ मुस्कुराकर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था साहब, पर आप साहब आदमी, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। वो तो ऐसे ही बोल रहा था जैसे घर में कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि बकरी का बच्चा घुस गया हो, जिसे दौड़ के पकड़ा और बाहर निकाल दिया। लिफ्ट में चढ़कर दोनों सिक्स फ्लोर पर पहुंचे और लिफ्ट का दरवाजा बंद करके और वो सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे को जरा सा खोलकर अंदर चला गया। उसके अंदर जाने के कुछ ही देर में हल्का सा खुला हुआ दरवाजा बंद हुआ और अंदर से एक आदमी और एक औरत के चीखने की आवाजें आने लगी। यश को याद था कि उसे वहीं खड़े रहना है, अंदर नहीं जाना है। यश चुपचाप वहीं खड़ा रहा और कुछ ही देर में सारी आवाजें शांत हो गई। यश जानता था सारी आवाजें जब बंद हो ही गई हैं तो अब कोई दिक्कत नहीं है। रतन अभी बाहर आएगा और बताएगा कि क्या करना है, लेकिन 5, 10, 15, फिर 20 मिनट हो गए लेकिन रतन नहीं आया। यश ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत इकट्ठी की और धीमे से दरवाजा खोला और कहा, रतन भाई। यश की पुकारों के बावजूद रतन का कोई जवाब नहीं आया। यश को परेशानी एक ही बात की थी कि किसी नुकसान का कोई इल्जाम यश पर ना आ जाए। डरता हुआ घबराया सा यश अंदर पूरा फ्लैट उसने देखा लेकिन रतन कहीं दिखाई नहीं दिया। ऐसा कैसे हो सकता था, इतना बड़ा एक आदमी कहां गायब हो गया, जमीन खा गई या आसमान निकल गया या फिर वो बूढ़ी औरत। यही सोचता हुआ यश अपने कमरे के अंदर घुसा और जाकर पलंग पर बैठा भर था जब सिक्योरिटी गार्ड रतन पलंग के नीचे से लुढ़कता हुआ चीखता हुआ अंदर से बाहर आया और वैसे ही चीखता हुआ कमरे से बाहर और फिर फ्लैट से बाहर भाग गया। यश की जिंदगी एक घंटे में इतनी ज्यादा बदल सकती थी ये यश तो क्या उसके फरिश्तों तक ने नहीं सोचा था।
भागते हुए रतन के पीछे दौड़ा वो। रतन, अरे रतन, रतन रुको, अरे क्या हुआ रतन, रतन। रतन अंधाधुंध भागता हुआ सीधा सीढ़ियों पर जैसे उड़ता हुआ नीचे को भाग रहा था। बेचारे गरीब आदमी को कहां फंसा दिया मैंने, यही सोचता हुआ यश उसके पीछे उसे संभालने के लिए दौड़ा। लेकिन यश जैसे ही सीढ़ियों के एक जीने को पार करके दूसरे पे पहुंचा तो जहां उसे भागता हुआ रतन दिख रहा था वहीं अब वही बूढ़ी औरत थी। यश एक पल को ठिटक के रुका तो देखा नहीं रतन ही था। फिर उसके पीछे आवाज लगाकर दोबारा दौड़ा तो रतन नहीं बुढ़िया ही थी। यश रुका नहीं, दौड़ता रहा और आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर वो बूढ़ी औरत रुक गई और पहले माले पर यश रुक गया। वो बूढ़ी औरत पलटी और यश को बड़े ही गुस्से में घूरती हुई मुंह खोलकर एक अजीब सी आवाज करने लगी और आखिरकार यश की आंखों के सामने वो औरत चीख कर गायब हो गई और सिर्फ वो सुनहरे फूलों वाली सफेद साड़ी जो उसने पहनी थी वहीं पड़ी रह गई। यश बेहोश हो गया। आंखें जब खुली और जब उसे होश आया तो वो अपने पलंग पर अपने ही कमरे में था। सपना देखा था उसे शायद ऐसा लग रहा था, लेकिन इतना सब कुछ था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ उसके साथ रात को हुआ था। खुद से ही ये पूछते हुए यश सीधा नीचे सिक्योरिटी गार्ड रतन के पास गया और उसे रात के बारे में पूछा। रतन ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे साहब हम कहां से रात को आएंगे, हम ड्यूटी पे थोड़े ही थे, बिल्डिंग में तो रात को किसी की भी ड्यूटी नहीं होती, तभी तो ताला लगाते हैं ना गेट पे, अगर ड्यूटी पे कोई होता तो ताला काहे लगाते। यश को अभी भी यकीन नहीं था कि क्या सच है और क्या झूठ। वो जानता था कि अब पता लगाने का एक ही तरीका है। यश ने रतन को नाश्ते का सामान लाने के बहाने बाहर भेजा और जाकर सिक्योरिटी रूम में सीसीटीवी की फुटेज देखी। यश के होश उड़ गए, एक बार फिर बेहोशी सी छाने लगी घबराहट के मारे, क्योंकि फुटेज में यश को साफ साफ दिखाई दिया कि यश ऑफिस से देर से आया, ऊपर गया, हवा में ही किसी से कुछ बात भी की, फिर सीढ़ियों पर अकेला ही दौड़ता हुआ दिखा और आखिर में बेहोश होकर गिरा। लेकिन घर कैसे पहुंचा ये वीडियो फुटेज में नहीं दिखा। यश ने सोचा कि अब ऐसी मुसीबत से वो लड़े भी तो कैसे। उन्होंने यश से साफ साफ ही कहा कि पूरी बिल्डिंग में अजीब वाइब्रेशंस है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ऐसी ताकत सामने आए ही, हो सकता है कि इनके रहते वो जल्दी सामने ना आए। लेकिन तभी आवाजें रिकॉर्ड करने की मशीन अपने आप चलने लगी, लगातार एक के बाद एक तस्वीरें खींचने लगी, लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगी और वोल्टेज अप डाउन होने लगा। एक पल को ऐसा लगा जैसे बस अभी सारे बल्ब्स फट जाएंगे और पता नहीं क्या तो होगा, लेकिन ठीक उसी वक्त सब कुछ एक झटके में ही शांत हो गया। ऑडियो रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग प्ले की तो एक आवाज उन्हें साफ साफ सुनाई दी।
3 बजने से पहले यहाँ से निकल जाओ, वरना यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, वो सबको मार देगा। ये सुनकर यश की तो जान गले में ही सूख गई, लेकिन घोस्टबस्टर्स की टीम को पता था कि ऐसे हालात में क्या करना है। उन्होंने यश को समझा कर कहा कि वो परेशान बिल्कुल ना हो, उन्होंने ऐसे कई केसेस सॉल्व किए हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। शायद उनकी ये बात, उनका अपने ऊपर ये घमंड किसी को बुरा लग गया, क्योंकि उनकी बात खत्म होते ही तुरंत एक बार फिर से लगा जैसे सब कुछ फट जाएगा, सब कुछ जैसे चीख चीख कर उन सब से वहां से चले जाने और खुद को बचाने की भीख मांगना। यश बार बार कहता रहा, लेकिन घोस्टबस्टर्स की टीम मानने को तैयार ही नहीं थी। तभी अचानक एक साथ ही उन सब का ध्यान कैमरास की ओर गया, हर चमकते फ्लैश के साथ। अंधेरे में उन्हें वही औरत, कभी यहां दिखती तो कभी वहां, अब सभी को घबराहट हुई और निकलने को पलटे ही थे, जब एक आवाज गूंजी उस औरत की, तुम लोगों ने कईयों की मदद की होगी, लेकिन यहां तुम्हारी एक नहीं चलने वाली। उस औरत ने बताया कि हर जगह जैसे किसी अधूरे काम या अधूरी चाहत वाली आत्माएं ही उन्होंने आज तक देखी थी, लेकिन इस पूरी बिल्डिंग में रहने वाले जितने भी लोग दिखाई दिए थे उनमें से कोई जिंदा नहीं था, और उन सबको मारने वाला कोई और नहीं, रतन था। उस औरत को, यानी उषा मल्होत्रा को, जो एक बूढ़ी विधवा थी, उनके गहनों को लूटने के लालच में रतन ने मारकर उसी फ्लैट में सड़ने को छोड़ दिया था। बेटा अमेरिका से उन्हें लेने आने वाला था, तो सब कुछ बेचकर पैसे जो अलमारी में थे वो और गहने वगैरह सब लेकर रतन भागा नहीं था वहां से, सब छुपा के ऐसे रह रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसके 2 दिन के बाद ही रतन पागलों की तरह दौड़ता हुआ बिल्डिंग से बाहर भागा, जैसे कोई उसके पीछे था। उसके बाद एक के बाद एक पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं बचा। रतन ने मर के भी अपना बदला ले लिया। ये सारी बातें बताने के बाद उस औरत ने एक बात और कही, 3 बजने के पहले यहां से निकल जाओ, वरना इतने लोगों की नफरत, इतनों के दर्द और गुस्से का शिकार हो जाओगे, कोई नहीं, कुछ नहीं बचा पाएगा तुम सबको। नजर घड़ी की ओर गई तो देखा 2:58 हुए थे। यश के साथ बाकी सब ने भी दौड़ लगाई वहां से। नीचे पहुंचकर मेन गेट के ताले को खोलने की कोशिश कर ही रहे थे, जब खैनी पीसकर होठों में दबाते हुए रतन की आवाज उन्हें सुनाई दी, कहां चले सब लोग? 3 बज गए साहब, चलिए ऊपर छोड़ दूं। कहते हैं कि मौत और जिंदगी को खरीदा या बेचा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मौत जब भी आती है ना, तो इस बिल्डिंग को ढूंढना नहीं पड़ता, मौत अपने आप किराए पर इस बिल्डिंग में आपको एक फ्लैट दिलवा ही देती है। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।